मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के महोली रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में 3 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अचानक पानी की टंकी गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोग दब गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं। ताजा मामला, 3 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी भरभराकर गिर गई। बताया जाता है कि इस पानी की टंकी का निर्माण इलाके में गंगा जल पानी की सप्लाई के लिए किया गया था। रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान पानी की टंकी अचानक गिर गई। इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बारे में जिलाधिकारी चलंद कुमार सिंह का कहना है, पानी की टंकी गिरने से 5 लोग दबकर घायल हुए हैं। उनका कहना है कि 2021 में बनी पानी की टंकी गिरने के मामले में गहनता से जांच कराई जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं हादसे की तस्वीरें। भैया अभी जो है फर्स्ट एड चल रही है, अभी प्रशासन आए हैं, डीएम और एसपी दोनों लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, जेसीबी से मलबा हट रहा है। अभी क्लियर पोजीशन नहीं है, लेकिन 5-6 लोगों को अभी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है एम्बुलेंस के द्वारा। हाँ, 2.5 से 3 साल पहले बनी है। अब ये तो बात का विषय है, जांच का, ये तो सब जांचें होंगी। लोग जो है जिन्होंने इसमें घपलेबाजी की है, सारे लोग जाएंगे, जेल जाएंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि लोगों की जान बचे कैसे भी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों की जान बचे। कुछ भी नहीं पता अभी क्लियर, मलबा हट रहा है, प्रशासन लगा हुआ है, जेसीबी काम कर रही है। जब मलबा हट जाएगा, जब क्लियर पोजीशन निकल के आएगी, कितना नुकसान है, कितनी जनहानि है। कॉलोनी के बीच में एक पानी के टैंक बना, टैंकी बनी हुई थी, ओवरहेड टैंक था, वो अभी बारिश के दौरान, अभी शाम को जब बारिश हुई थी उसके दौरान गिर गया है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, इसमें से 3 लोग यहां से चोटिल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी यहां देखा जा रहा है अभी और दबे हुए ऐसी संभावना तो नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है, बाकी फायर ब्रिगेड की टीम, हमारी पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सारी टीमें यहाँ पे आ चुकी है, नगर निगम की टीमें आ चुकी है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए जहाँ तक मेरी अभी जो प्रारंभिक जानकारी है, 2021 में टंकी का काम कंप्लीट हुआ है। उसके बारे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का फेलियर है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी पहला हमारा प्रायोरिटी है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन, इसको हम कंप्लीट करें। चलाया जा रहा है, क्योंकि थाना कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा विहार कॉलोनी है, जहाँ पे एक पार्क में 250 KL की टैंक थी, वो बारिश के दौरान कोलैप्स कर गई। और तत्काल सूचना प्राप्त होते ही सभी टीमें, रेवेन्यू की टीमें, पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ तत्काल पहुँच गई, और स्थानीय लोगों का भी सहयोग इनको मिल रहा था। जो घायल थे उनको यहाँ से रेस्क्यू करा के एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। डॉक्टर्स की पीटी में यहाँ पे तत्काल आ गई, और मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ से संपर्क करके इनको भी बुला लिया गया, वो टीमें भी आ रही हैं, ऑन द वे हैं। साथ ही साथ स्थानीय यहाँ पे आर्मी यूनिट है, वहाँ से भी टीमें आ चुकी हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी फिलहाल किसी के दबे होने की आशंका तो नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जितने भी घर आसपास हैं उन लोगों ने चेक कर लिया, कोई भी मिसिंग नहीं है। परंतु पूरी तरह से आस्वस्थ होने के लिए मलबा को हटाया जा रहा है, हटाकर चेक किया जा रहा है, कहीं कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना हो। सभी टीमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है, स्थानीय लोगों का भी यहाँ पे सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी हम लोग इस ऑपरेशन को कम्प्लीट करेंगे। ये चोट जैसे मुझे घटना की पता पड़ी, तत्काल में आया, वहाँ पे रास्ता वस्ता बन रहे थे, उनको खोल के मैं उसको मलबे को हटा रहा था, और ये जो टंकी लगी है, लगातार यहाँ के स्थानीय नागरिक लगातार विरोध कर रहे थे, पानी की टंकी नहीं लगनी चाहिए, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कम 2-3 माताएं की जान जा चुकी है, और उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए राशि प्रदान की जाए, और यदि नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएगी, और भ्रष्टाचार में जो भी लोग अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घायल करीब 12 दर्जन की, और पता नहीं इसमें दबके कितने होंगे, उससे पता नहीं, अचानक जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। ये लगातार इसकी शिकायतें की जा रही थी, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन और शासन अनदेखी कर रहा था, जो कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा हादसा आज इस पूरे मथुरा जनपद में सबके दिल को झकझोरने वाली घटना हुई है। पानी का रिसर्वेशन में रोता था, लोग बता रहे हैं, लगातार शिकायतें की जा रही थी, स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही थी, लेकिन पता नहीं अधिकारियों की क्यों कुंभकर्ण नींद में सोए हुए थे। इस तरीके से आपने देखा कितना बड़ा इतना हादसा हुआ है, ये सब भ्रष्टाचार, एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। और देखिए अभी 3 साल इस टंकी को नहीं हुए, कैसे करके ये टंकी, किस संस्था ने बनाई ये टंकी, क्यों नहीं अधिकारियों को क्यों नहीं इसको देखा गया, ये बड़ी जांच का विषय है। और यदि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और मृतक परिवारों को नौकरी और इनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इनकी आवाज को उठाने का काम करेगी।